Yes, a nice question is coming for all of you. Yes, all of you, please stop writing. देखिए आपको बोला ये मास्टर पीस है. देखिए प्लीज रिकॉल ऑल ऑफ यू. अच्छा चलो वो भी छोड़ दो. आपको कॉन्टिन्यूटी डिस्कस करना है, वो नॉन जीरो पॉइंट्स पे और ये जीरो पॉइंट्स पे. कॉन्टिन्यूटी के लिए एफ जीरो प्लस एफ जीरो माइनस एफ जीरो तीनों बराबर आने चाहिए. इस फंक्शन का लिमिट बताएंगे एक्स गोज़ टू जीरो. इस पे तो बात हो चुकी है पहले भी. एज एक्स गोज टू जीरो ये बाउंडेड रहेगा और ये कहाँ जाएगा जीरो पे. तो इस पूरे फंक्शन का लिमिट कितना है जीरो. तो लिमिट ऑफ एफ एक्स इज जीरो. अगर ये एफ जीरो के बराबर आ जाए तभी कॉन्टिन्यूस होगा. तो एफ जीरो का मतलब आपको इस पॉइंट पे देखना है कि क्या बनेगा. और ये तो देख के सच में डर लग रहा है. हाँ आते हैं अभी, आते हैं अभी, आते हैं. तो रेशो थ्योरम आइए उसके लिए. रेशो थ्योरम क्या कहते हैं, एक्स एन एक्स सीक्वेंस लीजिए नॉन जीरो टर्म्स का साथ दीजिए. हाँ जी, अगर ये जो लिमिट है लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी विच रेशो, यू नो विच रेशो, एक्स एन प्लस वन ओवर एक्स एन. अगर ये रेशो लेस देन वन आ रहा है, ग्रेटर देन वन आ रहा है, इक्वल टू, किसी को कुछ याद आ रहा है क्या आता है वहाँ से? दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्ज करेगा किस पॉइंट पे? जीरो पे. थैंक यू. अनबाउंडेड और लास्ट वाला लिमिट एस पे. ये तो याद है ना आपको. इसके साथ साथ इसी के साथ साथ इसी के साथ साथ कॉशीज लिमिट थ्योरम, कॉशीज फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट सेकंड फॉर्म, कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स. तुरंत याद आ जाएगा, मैं रिकॉल कर देता हूँ. कॉशीज फर्स्ट थ्योरम डील्स विद ए एम, कॉशीज सेकंड थ्योरम फर्स्ट फॉर्म डील्स विद जी एम, और कॉशीज सेकंड थ्योरम ऑन लिमिट्स का सेकंड फॉर्म. तो यही तो था. क्या था? अगर सारे के सारे ए एन पॉजिटिव है और लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी ऑफ ए एन पावर वन बाय एन को आप रिप्लेस कर सकते हैं किससे? कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? देखिए याद तो करना पड़ेगा. क्लास में बताया नहीं बताया? अरे इसी का यूज करके तो n पावर 1 बाय n निकाला था.
टू पावर वन माइन इतनी सारी चीजें निकल, इसी का यूज करके तो इसका लिमिट निकाले हम। अरे बाबा हाँ तो कह दो, किया ना क्लास में या नहीं किया है? हो गया क्वेश्चन खत्म। देखिए साथ है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। ए एन इज अ सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रैशनल्स और ये लिमिट 1/4 है, बट दिस लिमिट इज सेम एज दिस लिमिट। इज इट ओके? अरे बोलो बाबा, ये तो 1/4 दिया हुआ है, 1/4 तो लेस देन 1, रो लीजिए थोड़ा सा। दिस इंप्लाइज सीक्वेंस ए एन कहाँ कन्वर्ट करेगा रेशियो थ्योरम से? 0, 0। अगर सीक्वेंस ए एन 0 पे जा रहे हैं तो लिमिट ऑफ लॉग इज लॉग ऑफ लिमिट, ये लिमिट अंदर ले दो। व्हाट इज लिमिट ऑफ ए एन? अरे बोलो बाबा कितना आएगा आंसर? दिस विल बी ऊपर लॉग ऑफ 1+0। क्वेश्चन तो यही समाप्त हो गया, डिवाइड बाय साइन ऑफ 0 + π/2। हाँ जी, लॉग 1 कितना होता है? तो ये आपका 0 आ गया। उस एक्सप्रेशन का लिमिट 0, 0 एज एक्स गोज टू 0, दिस फंक्शन गोज टू 0 एंड जो भी लिमिट आ रहा है वो f0 के बराबर है, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट 0 पक्का 100%। डिफरेंशिएबल तो क्या ही आएगा, करा देंगे थोड़ी देर में, कर लीजिए। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा था, तो कहाँ कहाँ का कौन कौन सा च्यवनप्राश बना के दिया है।